और शामिल करते हैं बलोचिस्तान के इलाके खारान से, जहां एसएसपी खारान नज़ीर अहमद कर्द का कहना था कि लोगों की जानो माल का तहफ्फुज और अमन अमान की बहाली में पुलिस नुमाया किरदार अदा कर रही है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और ऐसे जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी और सारी रहेंगी। पायदार अमन के लिए पुलिस फोर्स को आवाम के तावन की ज़रूरत होती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पुलिस थाना खारान में मुनक़िदा खुली कचहरी में किया। इस मौके पर एसपी खारान शमरोज़ खान, एसएचओ खारान सिटी मोहम्मद कासिम और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर खुली कचहरी में शरीक शुरकान ने अपने मसाइल पेश करने के साथ साथ इलाके में मुस्तकिल अमन को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। इस पर एसएसपी पुलिस नज़ीर अहमद कद ने पेश करदा मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए शहरियों की मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि आईजी पुलिस बलोचिस्तान की हदायत की रोशनी में पुलिस फोर्स मुकम्मल अलर्ट होकर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। दिन रात पुलिस फोर्स की गश्त जारी है। लोगों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज है। ताहम मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए पुलिस फोर्स को हमेशा आवाम के तावन की ज़रूरत होती है। पुलिस आवाम के तावन से क़याम अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। ज़ाहिर है कि जिसकी चोरी हुई है वही गवाह दे सकता है। आज ये बंदा था जो मेरे मोबाइल को चीज करता या मैंने देखा या जिस तरह मैंने का रिक्वेस्ट की दुकानदारों को कि आप लगा लें ये सीसीटीवी, तो ये गवाही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक जितना।